लेकिन मैं आप सब लोगों से एक वादा जरूर करता हूँ कि जिस किसी ने भी ये षड्यंत्र रचा है, मठ के खिलाफ जो काम किया है, उसे इस बात का दंड जरूर मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये राधिका का भूत बलराम को बचा ही लेगा। बैठा दीजिए, सभा स्थगित कर दीजिए, बाकी जो बातें हैं वो हम कार्यालय में चल के करेंगे। आज की न्याय सभा यहीं समाप्त की जाती है। तू जीत गया कान्हा, तूने बिना कोई शक्ति का उपयोग किए, बिना शत्रु के सामने हार माने मुझे बचा लिया। मानव बंधन में एक ईश्वरीय शक्ति होती है दाऊ, मनुष्य अपनों के लिए किसी भी हद तक लड़ सकता है। आज ही मैंने बात जानी है। इंसानों से बैर मोल लेना एक बात होती है, लेकिन अगर भूतों के मुंह लगोगे तो मुंह की ही खानी पड़ेगी। सरकार, मुझे लगता है कि हमें प्लीज विराट भैया चाहिए यहाँ से। तूने मेरा विश्वास टूटने से बचा लिया, मुझको हमेशा से भरोसा रहा कि बलराम बेकसूर है। जिस तरह से तुमने पासा पलटा, मजा आ गया। न्याय सभा में सच सबके सामने आ गया। कोई कितना भी बुरा चाहे, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। और आप सबकी प्रार्थनाएं थी ना हमारे साथ, खासकर बरखा की। चलिए चलते हैं, अब घर निकलते हैं। गौ माता भी जानती थी कि बलराम निर्दोष है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। कहा जाता है इनमें से अगर कोई भी देवता तथास्तु कह दे तो बात सच हो जाती है। तुम तो बार बार कह रही थी कि बलराम निर्दोष साबित होना चाहिए, शायद उसी समय किसी एक देवता ने तथास्तु कह दिया हो, और देखो ना बात सच हो गई। मुझे मठाधीश से कुछ जरूरी बात करनी है, आप लोग घर चलिए, मैं बाद में आ जाऊं। अब तो बधाई दे दो बरखा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाती पर... कैसी सच्चाई? तुमने हमेशा से लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया है ना, पर अब और नहीं, क्योंकि आज के बाद का हर पल तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की याद दिलाएगा, ताकि तुम इस डर के साथ जी सको कि कभी भी तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल सकता है। चलिए। ऐसा पल कभी नहीं आएगा नकली राधिका, इससे पहले मैं तुझे रास्ते से हटा दूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं मठाधीश जी, उस अपराधी को मठ के सामने लाकर उसे इस विश्वासघात की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं। छोटी बहू, मुझे तो लग रहा है राजपुरोहित जी कि कोई व्यक्ति मठ को और राजपुरोहिताई को जानबूझकर कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। जब तक बलराम पर आरोप लगे हुए थे तो यही लगता था कि यह सब कुछ उसी की लापरवाही से हुआ है, परंतु अब तो ये मामला साफ साफ एक षड्यंत्र का लग रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र जो किसी ने बहुत सोच समझ कर रचा है। यदि इस मामले को शीघ्र न सुलझाया गया तो मठ के लोगों में और आक्रोश फैल सकता है। मुझे तो डर है
कि कहीं इस सब के पीछे किसी अंदर के ही व्यक्ति का हाथ ना हो, कोई विश्वसनीय व्यक्ति जिसने वैद्य जी को भी अपने जाल में फंसा लिया और उनसे चाबियां हासिल करके। मिटा दीजिए, माना कि आपने इन सब बातों पर बहुत अच्छे से गौर किया है, पर आप ये मत भूलिए कि चाबियां राजपुरोहिताइन के पास भी है। आप उनका सम्मान करते हैं इसलिए शायद सच को अनदेखा कर रहे हैं। पर राजपुरोहित जी, राजपुरोहिताइन जी पर संदेह? मैं एक राजपुरोहित हूं मिटा दीजिए, और एक राजपुरोहित होने के नाते धर्म रक्षक भी हूं और न्यायाधीश भी। मेरे लिए हर कोई समान है, कानून से बढ़कर कोई नहीं, ना ही आप, ना मैं, और ना ही राजपुरोहिताइन। किसी ने मठ के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आज गौशाला का मामला सामने आया है, पता नहीं उस षड्यंत्र रचने वाले ने मठ के किन किन विभागों को अपना निशाना बनाया होगा। इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी, मैं आपसे वादा करता हूं मिटा दीजिए, उस अपराधी को मठ के सामने लाकर उसे इस विश्वासघात की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं। देखा गौ माता, मेरे कान्हा ने मुझे आप सबको चोट पहुंचाने के आरोप से बचा लिया। दाऊ, ये सब क्या कह रही हैं दाऊ? सब खुश है कान्हा कि तू जीत गया, मनुष्य के रूप में भी जीत गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब स्वस्थ हो गई हैं। गाय चारा क्यों नहीं खा रही? क्या हुआ गौ माता? कान्हा, ये कह रही है कि तुझे वही धुन सुनानी होगी जो तू ब्रज की गायों को सुनाया करता था। अरे पर वो कैसे संभव है, मैं तो एक मनुष्य के रूप में हूँ ना। तो बन जा कान्हा, तूने अपनी कही बात साबित की है, मनुष्य के रूप में बरखा को हरा के दिखाया है। बिना शक्ति का उपयोग किए, बिना कोई माया रचे तू जीता है कान्हा, इसीलिए मैं तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। ये ले कान्हा। अरे दाऊ, ये बांसुरी आपके पास कैसे? सवालों में समय बर्बाद मत कर कान्हा, धुन सुना। हम सब अपने कान्हा को फिर से देखना चाहते हैं।
अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बरखा की चाबी से ही कर सकता है। देखा कान्हा, गायों की इच्छा पूरी हो गई तो वो अच्छे से खाने लग गई। पर ये स्वर्ग से पुष्प वर्षा क्यों हुई? सारे देवता अपना प्रेम बरसा रहे हैं दाऊ। इतने दिनों तक कान्हा नहीं थे ना, तो भक्तों की मांगे पूरी नहीं हो रही थी। पर अब कान्हा वापस आ गए भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, तो देवता भी प्रसन्न है। दाऊ, अब आप भी अपनी कही बात मानेंगे ना? कौन सी बात कान्हा? अपनी भूख पर नियंत्रण रखेंगे ना? कहा था ना, जिंदगी बदल दूंगा मैं आपकी मकान मालकिन जी। खड़ूस हिटलर से पंगा लेकर क्या बच पाएगा ऋषि? मोको ना, ऐसे टीवी ना देखा जाए। चबाने के लिए कछु ना कछु चाहिए मोको। तेरे तो दिन फिर गए शांति। सिवारे रंगाले, नए सामान आ गए, लगता है कोई लॉटरी निकल आया चेनू की। अरे शीला, देखो हम सबको पता है कि इनके चेनू की किस किस तरह की लॉटरी निकलती है। लगता है कि इनके चेनू ने कोई लंबा हाथ मारा है। अरे मौसी, ये सब मैंने चोरी के पैसे से खरीदे, चोर दिखता हूँ मैं? अरे ये सब मैंने मेहनत करके कमाया, मेहनत करके अपने जेब में पैसा डाला। मेरी बहन राधिका ने मुझे ये कहा था कि जरा पकड़ना बहन जी, हट तो बिटिया जरा, गाज गिरे मुन्ना की अम्मा। तेरे करेजे से जो धुआं उठ रहा है ना, वो मोको दिख रहा है। पता है मोको कि मोरे घर में ये सब तो को अच्छा ना लग रहा है। तो ठीक है, उठाओ अपने मुन्ना को, निकलो यहाँ से। मुन्ना चल यहाँ से, उठ, इनके घरे को आई टीवी देखा, चल। हाँ हाँ ले जाओ, ना ना चल यहाँ ही फुदक के मोरे घर में टीवी देखने, घुसना ना दोबारा। सब का है चेनू? अरे चेनू के बापू, अरे बहन जी छे बापू बहुत दिन बाद आए ना, तो अब आप लोग जाएं अपने अपने घरे। अरे बेटा सुनो ना, जाओ अपने घरे जाओ, है ना, जा बेटिया जा, जा तुम आओ, जा बेटा जा। ये सब सामान कहाँ से आया है चेनू? बेटिया जा ना पानी लेके आ, तेरे बाबा आए, जा 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 भाग के। मैं पूछ रहा कि ये सब सामान लेवे का, ये दीवार रंगे का पैसा कहाँ से आया? अरे गाजगिरी छेनू के बापू, कहाँ से आया का मतलब हुआ? तेरे छोरे ने, अपने छेनू ने कमा के लाया ये सब घर में। कमायो है या चुरायो है? बाबा थोड़ी कसम बाबा, मैंने थोड़ी अम्मा को बेवकूफ बना सके हैं, पर मोको नहीं। सच बता, कहाँ से आया पैसा? नहीं तो पुलिस के हवाले करवाई दूंगा। गाजगिरी कहाँ कर रहे हो, जवान लड़के को मारे पड़े हो। मेहनत से कमाया मैंने। तो को समझाई के थक गए हैं चेनू। अब बाप की ओर है कि तुरे जैसा चोर एक घर में पैदा हुआ, वो को समझ में नहीं आ रहा है कि तो को सजा दो या अपने आप को। बाबा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना दे देना। दादाजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, एक न्यायाधीश के लिए हर कोई एक समान होना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या कोई पराया, दोस्त हो या फिर कोई अजनबी। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही हो कि मैंने हमेशा निर्णय लेते वक्त अपने कर्तव्यों को अपने सामने रखा है। जैसे कि जब राधिका पर बरखा को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था, तब भी मैंने अपने प्यार को परे रखकर निर्णय लिया था। इसलिए बरखा, अगर मैं राजपुरोहित आइन को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहता हूं, तो मैं आशा रखता हूं
मेरे इस निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। देव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोटी माँ, जिस भी गायों को नुकसान पहुंचाया है उसका मकसद सिर्फ बलराम को फंसाना नहीं था, बल्कि राजपुरोहित के सम्मान के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र? ये तो क्या कह रहा है देव? उज्जैन के मठ में जो खबर पहुंची थी उसमें तो सिर्फ गौहत्या के बारे में ही कहा जा रहा था। बात सिर्फ गौहत्या के पाप की नहीं है रोहन, राजपुरोहित का सम्मान, इस घर का मान पर किसी ने वार करने की कोशिश की, पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया है वो हमारे मठ से जुड़ा हुआ है। लेकिन देव, इल्जाम बरखा पर क्यों? इल्जाम नहीं है छोटी माँ, सिर्फ शक है, और ये शक सिर्फ मुझे नहीं मठ के सारे लोगों को। ये कैसे हो सकता है कि जो शीशी और चारा राजपुरोहित को दिया गया था वैद्य जी को देने के लिए वो बिल्कुल साफ निकला, और जो चारा वहां पेश किया गया उसमें जहरीली दवाई के अंश पाए गए। राजपुरोहित इनका फर्ज है कि उस चारे को सबूत के तौर पर संभाल कर रखे, पर राजपुरोहित इनके आदेश से वो चारा जला दिया गया। वो जहरीली दवाई हमारे मठ के निरोगालय में ही रहती है, इसकी चाबी से वैजी और राजपुरोहित के पास ही होती है, तो फिर वहां से दवाई चोरी हुई कैसे? आपका मतलब है कि ये सब मैंने किया? मैंने ऐसा नहीं कहा बरखा, पर मतलब तो यही था ना। मैं आपको बता चुकी हूँ, चारा इसलिए जलाया गया क्योंकि डर था कि उसकी वजह से मठ में बीमारी ना फैल जाए, और मैं मानती हूँ कि ये मामला सुलझ जाने तक मुझे वो चारा बचा के रखना चाहिए था, पर मैंने वही किया जो उस समय मुझे ठीक लगा। अगर मैं तुम्हारी ये बात मान भी लेता हूँ तो बाकी की जो बातें हैं, जैसे कि वो चाबी, वो तो वैद्य जी के पास भी रहती है, हो सकता है किसी ने उन्हें खरीद लिया हो। और नहीं बरखा, वो हमारे सबसे पुराने विश्वसनीय हैं, समय समय पर उन्होंने अपनी वफादारी साबित की, उन पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा सकता है? वैसे भी वैद्य जी की चाबी से ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वैद्य जी अपनी चाबी मठ के तिजोरी में ही रखते हैं, उसके अलावा सिर्फ एक चाबी बचती है जो बरखा के पास है। अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बरखा की चाबी से ही कर सकता है। और इसलिए मुझे अपराधी ठहराया जा रहा है? तुम पर सिर्फ शक किया जा रहा है, यकीन किसी ने नहीं किया है, और राजपुरोहित जी ने भी एक बार तुम्हें अपराधी नहीं कहा है। ये शब्द तो तुमने खुद अपने लिए चुना है। अब सब लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, पर मुझे यकीन है ये काम तुमने नहीं किया है। तुम बार बार कह रही थी ना बलराम निर्दोष साबित हो जाए, और देखो ना बलराम निर्दोष साबित हो गया।
बिल्कुल राधिका सही कह रही है, बलराम की बेगुनाही साबित की गई। ये जरूरी नहीं है कि जिस पर शक किया जाए वो ही अपराधी निकले, पर जिसने भी ये काम किया है उसे इसका दंड जरूर मिलेगा।